हेलो एवरीवन वेलकम टू एनलाइट लर्निंग सो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी कंपनी को कंपनी ही क्यों बोला जाता है कंपनी वर्ड कैसे आया कहाँ से आया डेफिनेशन ऑफ द कंपनी मैं ऑलरेडी पार्ट वन में डिस्कस कर चुकी हूँ ये वीडियो आपकी पार्ट टू हो जाती है कंपनी चैप्टर का जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ Again, Hindi medium की students को कोई problem ना हो हो इसलिए मैंने content both language में provide कर दिया है। so चलिए start करते हैं, हैं कौन -कौन से हो जाते हैं देखते कौन-कौन से जाते आपकी कंपनी के सो so फर्स्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट कारपोरेट एंटिटी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र मीन्स कंपनी इंडिपेंडेंट है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और वो अपने members से टोटली totally एंटेंट होती है कंपनी की अपनी एक लीगल पर्सनालिटी होती है कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है अपने नाम का बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है कंपनी किसी पर भी केस फाइल कर सकती है अपने नाम से और कोई भी कंपनी पर भी केस फाइल कर सकता है सो ये कहलाया आपका इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी इसका मीन्स बेसिक में बताऊं तो यही है कि कंपनी और उसके मेंबर्स शेयर होल्डर्स डायरेक्टर वगैरह सब अलग होंगे कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी होगी मेंबर्स की अपनी आइडेंटिटी होगी कंपनी अपने नाम से कहीं भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है मेंबर्स भी भी अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बट वो कंपनी से अलग होगा इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी का मीन्स यही है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग होंगे दोनों को आप एक ही अकाउंट में एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हो जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस परपेचुअल का मतलब होता है कि जिसका कोई भी एंड नहीं होता मींस एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है वो कभी भी डाई नहीं हो सकती एक कंपनी कभी भी बीमार नहीं हो सकती कंपनी की लाइफ कभी भी एंड नहीं हो सकती हाँ वो बात अलग है कि आप कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं उसको एग्जिस्टेंस से हटाना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता तो है बट एक कंपनी कि जो लाइफ है वो परपेचुअल है उसका कोई भी एंड नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा बोल दिया जाए कि भाई आज कंपनी बीमार है आज कंपनी को फीवर हो गया इसलिए आज कंपनी बंद रहेगी ऐसा नहीं हो सकता चाहे आंधी आए तूफान आए आपका कंपनी का वर्क एज इट इज चलता रहेगा अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए कोई मेंबर इंसोलवेंस हो जाए या कोई मेंबर रिटायर हो जाए या फिर कोई मेंबर कंपनी को छोड़ के चला जाए कंपनी अनअफेक्टेड रहेगी कंपनी पर इस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा वो वैसे ही वर्क करेगी जैसे कि वो करती आ रही है ये आपका कहलाता है परपैचुअल एग्जिस्टेंस नेक्स्ट हो जाता है कॉमन सील कॉमन सील का मीन्स होता है सेम मोहर मीन्स एक कंपनी की अपनी एक मोहर होगी जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पर वो मोहर लगेगी हर एक डिसीजन पे आपकी सेम सील होनी चाहिए वो कहलाता है कॉमन सील मीन्स कंपनी के पास अपनी एक सील चाहे वो मोहर हो चाहे वो साइन हो डायरेक्टर्स वगैरह के वो होने चाहिए और वो हर जगह सेम होंगे नेक्स्ट हो जाता है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर मीन्स एक कंपनी के मेंबर्स कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ये कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे उनकी जो भी शेयर्स होंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे मींस वन पर्सन अपने शेयर किसी को भी सेल या परचेज कर सकता है शेयर मार्केट में वो आपका कहलाएगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नेक्स्ट हो जाता है सेपरेट प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी का मीन्स यही है कि कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है मीन्स मेंबर्स और कंपनी दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी ऐसा नहीं होगा कि मेंबर कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी पर अपना राइट right बताए या फिर कंपनी मेंबर्स की प्रॉपर्टी पर अपना राइट right बताए ऐसा नहीं हो सकता कंपनी और उसके मेंबर दोनों सेपरेट होंगे दोनों की प्रॉपर्टी भी सेपरेट होगी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम कंपनी अपने नेम से कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कैन ये ं सी है द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कैन बी यूज फॉर द कंपनी बिजनेस नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ इट्स शेयर होल्डर मीन्स जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसका यूज हम बिजनेस को चलाने के लिए या फिर बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए या बिजनेस के लिए कर सकते हैं मेंबर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते आपका लास्ट ऑफ़ अ कंपनी हो जाता है राइट टू श्यू मींस एक कंपनी लीगल पर्सन होती है एक कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है कंपनी के पास अधिकार होता है किसी पर भी अपने नाम से केस करने का किसी पर भी अपने नाम से कोई भी मुकदमा करने का वहीं दूसरे पर्सन को भी राइट right होता है कंपनी पर भी केस करने का ये आपका कहलाता है राइट टू शू मीन्स एक कंपनी किसी दूसरे पर्सन पर भी अपने नाम से केस कर सकती है और कोई दूसरा पर्सन भी एक कंपनी पर कंपनी के नेम से ही केस कर सकता है सो so, ये आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं कंपनी के आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस